हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं प्री पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? प्री पोजीशन के बारे में। इससे पहले आप सभी के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और उसके साथ साथ एडवर्ब, ये क्लासेज हो चुकी हैं, जिसका प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो प्री पोजिशन की हम बात करते हैं, अगर इसको हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है संबंध सूचक अवयव। क्या होता है? संबंध सूचक अवयव इसका हिंदी में नाम होता है, लेकिन उससे कोई लेना देना, इसे नाम नहीं पूछता एग्जाम में। जैसे यहाँ दिया हुआ प्री पोजिशन, क्या दिया हुआ है? प्री प्लस पोजिशन, यानी कि पोजिशन से पहले प्री आया हुआ है, और प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थिति, यानी कि यह स्थिति को बताता है। अगर हम ये बात कर देंगे कि किसको बताता है, स्थिति को बताता है प्री पोजिशन। लेकिन अगर इसके एक्चुअल डिफिनेशन की तरफ हम जाएं, तो इसके एक्चुअल डिफिनेशन ये होता है कि प्री पोजिशन वह शब्द होता है, प्री पोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, कहाँ पर? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसी वाक्य में दूसरे शब्दों से या नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है। यानी कि जो दूसरा शब्द होता है वह या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्री पोजिशन एक शब्द होता है जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अन्य शब्दों से क्या बताता है? स्थिति बताता है। ठीक, यानी कि जो स्थिति बताएगा, जो प्री पोजिशन होगा, वह नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखना है, यानी कि जो प्री पोजिशन वह कहाँ आएगा? नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। जैसे ही जंप्ड इंटू द रिवर, हमने यहाँ लिखा ही जंप्ड इंटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। वह कहाँ कूद गया? नदी में कूद गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंटू है ना, यही हमारा क्या है? प्री पोजिशन है। क्या है? प्री पोजिशन है। अब देखो बेटा, रिवर, रिवर मतलब क्या होता है? नदी। तो यह एक नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आया हुआ है इंटू। ठीक, नाउन से क्या हुआ है? पहले आया हुआ है। और यहाँ ही भी तो है, ही भी तो है, या नाउन या प्रोनाउन से पहले आया हुआ है। हमने क्या बताया है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और वाक्य में दूसरे शब्द से क्या करेगा? तुलना करेगा, उसके बारे में बताएगा। ठीक है ना, उसके बारे में बताएगा। अब आगे देखेंगे, उसके संबंध के बारे में बता रहा है, यानी कि वह नदी में कूदा। तो वह एक तो मान लो यहाँ पर नाम लिख दिया हमने मोहन का, तो मोहन का संबंध यहाँ नदी से बता रहा है। ठीक है ना, कि मोहन यहाँ पर है नदी में कूदा है, तो इसको रिलेट कौन कर रहा है? रिलेट कर रहा है इंटू। कौन रिलेट कर रहा है? इंटू रिलेट कर रहा है। हमने लिख दिया ही इज ऑन द चेयर, या फिर हम बोल सकते हैं ही इज ऑन द टेबल, वह मेज पर है। वह कहाँ पर है? मेज पर है। तो बेटा ऑन यहाँ पर क्या है? प्री पोजिशन है। देखो, आन, इंटू, इन, आइट, फ्राम, विथ, ये सब प्री पोजिशन है, सबका यूज पढ़ाने वाले हैं। अब देखो, टेबल हमारा क्या है? नाउन है। टेबल हमारा क्या है? नाउन है। अब ये इसके इसका जो संबंध है नाउन का ना, ही से बता रहा है, तो इसका संबंध ही से हो रहा है। और इस संबंध को बता कौन है? ऑन बता रहा है। कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। इसलिए ऑन यहाँ पर क्या हो जा रहा है बेटा? ऑन यहाँ पर हमारा प्री पोजिशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्रेपो हो जा रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम यूजेज इसके। अब देखते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, दोस्तों में शेयर करना जरूरी है। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम यूजेज ऑफ प्री पोजिशंस, कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक, यूजेज ऑफ प्री पोजिशंस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमें यूज देखना है वो हम देख रहे हैं बिटवीन और एमंग का यूज देखेंगे। किसका यूज देखेंगे? बिटवीन और एमंग का यूज देखेंगे, बिटवीन एंड एमंग। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? दिख रहा है ना, बिटवीन का तो मतलब पता होना चाहिए, बिटवीन का मतलब तो बीच में होता है। सर ये भी सही है, बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। लेकिन एमंग का मतलब क्या होता है? देखो, जितना भी यूज हम पढ़ाएंगे सब प्रीपोजिशन है बेटा। बिटवीन भी प्रीपोजिशन है, एमंग भी प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, बिटवीन भी क्या है? प्रीपो है, और एमंग भी प्रीपो है। तो बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में। क्या होता है?
बीच में, और एमंग का भी मतलब होता है बीच में, यानी कि इन दोनों का मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। लेकिन सर दोनों का मतलब बीच में होता है तो फिर हम यूज कैसे करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। मेन चीज हम यूज कैसे करेंगे वो हम सिखा रहे हैं। अगर सिर्फ दो की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? दो की। अगर हम दो के लिए बात करेंगे तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। लेकिन अगर दो से अधिक की बात कर रहा, मोर देन टू, अगर दो से अधिक है तो वहां पर हम बीच के लिए किसका यूज करेंगे? एमंग का यूज करेंगे। किसका यूज? एमंग का। जैसे हम देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहां पर हम ये देखेंगे यहां लिखा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। अगर वर्ब पहले आता तो इंपरेटिव सेंटेंस था, आदेश देता है, बताए थे पहले। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो, इस आम को बांट दो। किसके किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। तो दो लोगों के बीच की बात है तो यहां पर बिटवीन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? बिटवीन आया हुआ है। अगर सिर्फ दो लोगों के बीच की बात करेगा तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? वहां पर हम यूज करेंगे बिटवीन का। लेकिन अगर दो से अधिक की बात कर रहा है, जैसे हमने यहीं पर ये लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो और यहां लिख दिया राम श्याम एंड रोहन, हमने अगर ये चीज लिख दिया, ठीक, यहां पर कितने हो गए? अब यहां ये बताना है कि यहां बिटवीन आएगा या फिर एमंग आएगा, देखते हैं। देखो बेटा, यहां नाम देखो कितने लोग हैं, राम एक है, श्याम दो हो गए और रोहन तीन हो गए, तो दो से अधिक लोग हो गए ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, इस श्याम को बांट दो बिटवीन राम श्याम एंड रोहन। यहां पर कितने व्यक्ति हो रहे हैं? तीन व्यक्ति हो रहे हैं। अगर बेटा तीन व्यक्ति होते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? एमंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एमंग का। आप बताओ, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने लिख दिया स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश डैश है, फिर इधर डैश डैश है और यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये था पहला एग्जांपल, ये था दूसरा एग्जांपल और ये है तीसरा एग्जांपल। अब स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब यहाँ पर बिटवीन रहेगा या फिर एमंग रहेगा, दोनों में से क्या यूज होने वाला है? ठीक, अब देखो बेटा, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता बांटा गया, वर लगा हुआ है। अब सोचोगे यार ये देखो ये पैसिव वॉइस में है, किसमें है? पैसिव वॉइस में है। दिमाग में आना चाहिए कि सर ये पीवी में पढ़ाएंगे, पीवी दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अब यहाँ पे यार दो लोगों की बात थोड़ी ना, स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं ना, एक स्टूडेंट थोड़ी ना क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट होते। यहाँ पर सबसे पहले हम एमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एमंग में। सेंटेंस में एक और मिस्टेक है सर, वो मिस्टेक क्या है? यहाँ पे वेयर नहीं, वाच रहेगा। कैसे? क्योंकि स्वीट्स मतलब क्या होता है? मिठाइयाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनके साथ सिंगुलर ये वाज या वाज आता है और ई जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाज रहेगा, क्या रहेगा? वाज। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं, गिन नहीं सकते हम स्वीट्स को, हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो जब गिन नहीं सकते हैं तो सिंगुलर कहलाता है और सिंगुलर के साथ क्या आता है? वाज आता है। तो ये मिस्टेक मैं जानबूझकर बना के रखता हूँ ताकि दिमाग में आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट यूज हम देखते हैं। देखो स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए, डेली नोट बनाइए और ऑलरेडी प्रैक्टिस करिए। चलो बेटा, आप देखते हैं इसी के थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेकर आपको चलेंगे ताकि दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। देखो विथ का प्रयोग पढ़ाएंगे, फॉर का प्रयोग पढ़ाएंगे, बहुत सारे जितने भी आप सभी के सामने आते हैं प्रीपोजिशन, सबके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी में आता है एक एमंग आता है। देखो एमंग तो हमने पढ़ा दिया सर, एकदम सही है, एमंग तो हमने पढ़ा दिया। उसी में एक वर्ड आता है एमंगस्ट। क्या आता है? एमंगस्ट, AMONGST, एमंग और एमंगस्ट,
इनका भी मतलब बीच में ही होता है, लेकिन सर उसको कहाँ यूज करना वो बताइए। तो हम इस यूज को देखते हैं कि कहाँ पर हम एमंग का यूज करते हैं और कहाँ पर हम एमंगस्ट का यूज करते हैं। ध्यान से देखेंगे चीजें वही है, बिटवीन और एमंग का ही रूल थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखेंगे एमंग का प्रयोग हम तब करते हैं, एमंग का यूज तब करते हैं जब चीजें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। कहां से? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। कौन साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। अभी बताएंगे कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हो रहा है, और एमंगस्ट इसका भी मतलब बीच ही में होगा। एमंगस्ट का यूज करेंगे वावेल साउंड के लिए। किसके साउंड के लिए? वावेल साउंड के लिए। अब जैसे हमने लिख दिया यहां पर स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा था? एमंग स्टूडेंट्स, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आया हुआ था? एस आया हुआ था। क्या आया हुआ था? यस आया हुआ था। तो यहाँ यस है ना, तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा था? एमंग लगा था। क्या लगा था? एमंग लगा था। लेकिन अगर वही वावेल रहेगा तो हम क्या लगा देंगे? हम देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, जैसे हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, मैंगोज। अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ? क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो बेटा, जैसे हमने बात किया था, देखो सबसे पहले तो हम एमंगस्ट को पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं देखो एमंगस्ट को समझा दे रहा हूँ, जहाँ बाकी बचेगा वहाँ एमंग लगा देंगे। डिटेल में समझा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, आम को बांट दो। अस क्या होता है? अस। तो पहली बात देखो यू से शुरू है, तो ए ई आई ओ यू, अगर इससे शुरू है तो यहाँ इसके पहले हम क्या लगा देंगे? एमंगस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एमंग्स। देखो यही तो वावेल होते हैं हमारे, अंग्रेजी में पांच वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ यू से शुरू है तो क्या लगा देंगे? एमंगस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एमंगस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या था? यस था। क्या था? यस था। एस कॉन्सोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आया हुआ है? एमंग आया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो। अमेरिका था राम श्याम एंड रोहन। क्या लिखा था? राम श्याम एंड रोहन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो, इस मैंगो को बांट दो राम श्याम और रोहन के बीच में। तीन लोग है ना, तीन लोग है, तो एमंग का प्रयोग आएगा। किसका आएगा? एमंग का। तो सर एमंगस्ट लगा सकते हैं क्या? एमंगस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो राम कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? सर कॉन्सोनेंट है। श्याम से पढ़े भी कॉन्सोनेंट है, रोहन ये भी कॉन्सोनेंट है। जब बाबू सब कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? एमंग आएगा। अगर अगर वहाँ पर वावेल रहता, अस रहता, आवर रहता, दिमाग में दो वर्ड यूज कर लो अपने, अगर कहीं अस रहेगा लास्ट में और कहीं आवर लगेगा, ठीक है ना, ये सब रहेगा तभी एमंग्स का यूज करना, ठीक। और वावेल आना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ये है प्रीपोजिशन का बेसिक क्लास, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंद करिए।